सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपने YouTube चैनल को, प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को जिससे हमारे आने वाले हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जाबूजी क्वेश्चन में। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे अगर नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं खुल रहा तो आप रिजल्ट इस वेबसाइट से के द्वारा भी देख सकते हैं। तो नवोदय का दूसरा वेबसाइट ये भी है तो आप इस वेबसाइट के द्वारा भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके देखें तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, इसको वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप लोग रिजल्ट नहीं चेक करें तो अपना रोल नंबर इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए, सब रिजल्ट चेक करके आप लोगों को हम बता देंगे कितना क्वालिफाइड हुए हैं या नहीं हुए। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपको गूगल में टाइप कर लेना है nbshq.org.result जो कि उस वेबसाइट लेकर जाएगा आपको रिजल्ट चेक करने के लिए। आपको जो लिंक है इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जो कि यहाँ पर दिखा रहा है लेटेस्ट न्यूज 25 मई 2019 जनवरी रिजल्ट 2019 हैज बीन अनाउंस्ड 25 मई 2019। तो ये बता रहा कि जो कि रिजल्ट है 25 मई 2019 को रिलीज हो चुका है। लिंक इज अवेलेबल बेलो, यानी लिंक भी अवेलेबल हो चुका है। तो अब बताएगा किस तरह से आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इंटर द एग्जाम रोल नंबर व्यू रिजल्ट, आपका जो रोल नंबर है यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप लोगों को रिजल्ट चेक करना है। अगर चेक नहीं कर पाए तो रोल नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस साइड से भी सर्वर ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लास 6 जो कि लिंक है, यहाँ से लिंक ओपन कर लेते हैं। जहाँ पर क्लिक करते हैं वहीं पर यहाँ पर भी लिंक सर्वर काफ़ी बिजी चल रहा है तो भी सर्वर ओपन साइड ओपन नहीं हो रहा है रिजल्ट चेक करने के लिए। तो जैसे ही सर्वर सही होगा हम आप लोग को रिजल्ट चेक करके बता देंगे। तो आप लोग अपना रोल नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जो कि भी साइड में प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर अनेबल हो रहा है।